Very first thing that you must study about research is what is a research, what is the nature of research. Research is a very simple thing, it is a systematic and logical procedure in order to get.

एक साइंस है रिसर्च के पीछे मैं आज अगर ऐसे ही बाहर जाऊं और मार्केट में जाके रिसर्च करूं दैट वुड नॉट बी अ प्रॉपर रिसर्च देर इज़ अ सेट प्रोसीजर विच आई नीड टू फॉलो सो इट इज साइंटिफिक देन इट इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस एक सिस्टम है स्टेप बाय स्टेप रिसर्च करी जाती है ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले डेटा कलेक्शन में लग जाऊं और बाद में मैं लिटरेचर पढ़ूं उसके बारे में और ऑलरेडी बाद में मुझे जाके पता चले कि ऐसी रिसर्च हो चुकी है सो so, मेरी रिसर्च वैल्यूलेस हो जाएगी सो so, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को पूरा करते हुए रिसर्च की तरफ आगे बढ़ना होता है एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज़ वेरीफिकेबल कोई भी रिसर्च को मैं वेरीफाई कर सकती हूँ अगर आज मैंने कोई रिसर्च करी है सो एनी बडी कैन ग्रो इन द मार्केट एंड देन कैन वेरीफाई दैट रिसर्च वो मेरे सारे जो भी मैंने थ्योरीज यूज़ करी है जो भी मैंने डेटा यूज़ किया है उसे वापस से उन पर रिसर्च करके वो वेरीफाई कर सकता है वेदर माई फाइंडिंग इज गुड और वेदर इट इज नॉट सो गुड सो दिस इज वॉट रिसर्च इज ऑल अबाउट सो सबसे पहले अगर आप रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं सो बिकम रियली क्लियर अबाउट वॉट इज रिस एंड वॉट इज आर द नेचर ऑफ रिसर्च सो आफ्टर लुकिंग एट वॉट इज रिसर्च एंड वॉट इज द नेचर ऑफ रिसर्च द ने नैक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कोई भी रिसर्चर अगर एक रिसर्च करता है तो उसके पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं हम कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते गवर्नमेंट आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रही है इतने फंड्स इकट्ठा कर रही है दैट इज़ बिकॉज रिसर्च के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज़ टू अचीव न्यू इंसाइट अगर मुझे कोई भी नई इंसाइट कोई भी नया तरह का थ्योरी डेवलप करना है देन रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस एंड कैंसर का के बीच में एक लिंक है सो so एक नया इंसाइट मिला हमें क्योंकि स्ट्रेस फुल रहने से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं सो इट्स अ न्यू इंसाइट फॉर मेडिकल साइंस देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू जनरलाइज समथिंग अगर मैं कोई भी चीज़ को जनरलाइज करना चाहती हूँ कोई भी एक नई थ्योरी को यूनिवर्सल लेवल पर बताना चाहती हूँ देन रिसर्च विल हेल्प बिकॉज अगर मैं रिसर्च करती हूँ एल्डर सिबलिंग और यंगर सिबलिंग में से रिस्पॉन्सिबल कौन ज्यादा होता है सो so, मैं एक सैम्पल एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स या एक सेट ऑफ किड्स के साथ में ये रिसर्च करूंगी बट लेटर आई कैन जनरलाइज दिस थिंग टू एंटायर यूनिवर्स आई कैन से इस वर्ल्ड का हर एक एल्डर सिबलिंग यंगर सिबलिंग से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है सो दिस इज आवर रिसर्च हेल्प्स इन रीचिंग टू न्यू जनरलाइजेशन एंड अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज़ दैट रिसर्च हेल्प्स यू इन नोइंग द डिफ्रेंस और नोइंग द कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स तो दो वेरिएबल्स कैसे जुड़े हुए हैं इसके बारे में बताने के लिए रिसर्च बहुत हेल्प करता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रिसर्च करती हूँ और उसके बाद में ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा एक स्टूडेंट का वेट होता है उतना ही उसमें लेजीनेस ज़्यादा होती है सो दीज आर टू वेरिएबल्स वेट एंड लेजीनेस सो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कनेक्शन है वो ढूंढने के लिए रिसर्च हेल्प करता है अगर वेट ज़्यादा है तो लेजीनेस ज़्यादा है लेजीनेस कम है दैट मीन्स वेट भी कम होगा स्टूडेंट का सो लेजीनेस इज डिरेक्टली लिंक्ड टू वेट ऑफ अ स्टूडेंट अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल

वेरिएबल्स होते हैं x, y एंड z जिनकी वैल्यू वेरी करती है किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 है किसी और क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 26 है किसी और क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 135 है सो वेरिएबल इज़ एनी थिंग विच कैन वैरी नाउ इफ़ यू लुक एट द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यू विल फाइंड कि कोई भी रिसर्च होती है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जैसे अगर मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कि स्लीप डिप्रीवेशन का टेस्ट परफॉर्मेंस पे क्या रिलेशन uh, है के बीच में क्या रिलेशन है तो दीज आर द टू वेरिएबल्स टेस्ट परफॉर्मेंस एंड स्लीप डेप्रीवेशन नाउ इन दोनों में से एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसे हम वैरी करते हैं जानबूझ के जैसे अगर मैं हंड्रेड स्टूडेंट्स लेती हूँ उनमें से फिफ्टी स्टूडेंट्स को मैं अच्छे से रात में सोने को दूंगी एग्जाम से पहले दिन और एक जो सेकेंड ग्रुप है उनको मैं रात भर जगा के रखूंगी सो वट एम आई वेरियंग इन बोथ द ग्रुप्स आई एम वेरिंग द अमाउंट ऑफ स्लीप दे आर हैविंग सो स्लीप इज़ वन वेरिएबल विच इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे मैं इंडिपेंडेंटली वैरी करती हूँ अपनी रिसर्च में द अदर थिंग इज द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट परफॉर्मेंस को मैं वेरी नहीं कर सकती उसको मैं चेंज नहीं कर सकती दैट वुड डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट ये हंड्रेड स्टूडेंट जब एग्जाम में जाएंगे सो so ये स्लीप के वजह से जिस तरह का पेपर दे पाएंगे दैट वुड लीड टू द टेस्ट परफॉर्मेंस विच इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अगर मैंने बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को सुलाया है एंड स्टूडेंट्स रात भर अच्छे से सोए हैं सो मे बी वो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे सो टेस्ट परफॉर्मेंस इज लिंक्ड टू इज डिपेंडेंट अपॉन द स्लीप और स्टूडेंट हैज़ गॉड इसके अलावा भी बहुत तरह के वेरिएबल्स होते हैं एक रिसर्च में जैसे होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल वॉट आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी रिसर्च को इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से सुला दूँ बट उसके बाद भी वो एग्ज़ाम में जाता है और उस दिन उसको बुखार है सो so क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा नो दैट इज एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल विच इज़ अफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल बट वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो स्लीप है बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है टेस्ट परफॉर्मेंस उसको अगर और भी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है जैसे टेम्परेचर ऑफ़ द रूम अगर बहुत ठंडा है रूम जो एग्ज़ाम हॉल है उसमें टेम्परेचर जो है एसी का वो बहुत लो है एंड स्टूडेंट्स को ठंड लग रही है सो मे बी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ना हमें ऐसा लगेगा कि स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे बट बाद में पता चलेगा कि रूम का टेम्परेचर कम होने की वजह से स्टूडेंट्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे सो दीज आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है बट स्टिल दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू नीड टू स्टडी फॉर नेट एग्जाम इज हाइपोथिस एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथिस वॉट इज एन हाइपोथिस इज अ टेंटेटिव आंसर टू अ क्वेश्चन इट कैन ऑल्सो मीन अ प्रपोज एक्सप्लेनेशन टू अ रिसर्च क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिसर्च करने जा रही हूँ स्ट्रेस एंड कैंसर के बीच में क्या लिंक है इसके बारे में सो so मैं रिसर्च करने से पहले एक दिमाग में टेंटेटिव आंसर सोचती हूँ कि मे बी मेरी रिसर्च यही बताएगी कि स्ट्रेस ज्यादा होने से कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं बट आफ्टर रिसर्चिंग ऑन सेवरल पीपल हु हार लिविंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल आई माइट कम अप विथ एन आंसर आफ्टर द रिसर्च डैट स्ट्रेस और कैंसर के बीच में कोई लिंक नहीं है आफ्टर रिसर्चिंग और लॉट ऑफ स्ट्रेस फ्री पीपल आई माइट अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे स्ट्रेस फ्री लोगों को भी कैंसर हो रहा है दैट मीन्स दैट स्ट्रेस और कैंसर का कोई लिंक नहीं है सो so, मैं शुरुआत करी थी मैंने कैंसर के साथ विच वज दैट स्ट्रेस का लिंक है कैंसर के साथ ज़्यादा स्ट्रेस होने से कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं बट आफ्टर द रिसर्च आई माइट find that my answer was wrong so hypothesis is a tentative answer of a problem which you kind of devise before uh, starting the research and this particular answer can either be proved right

स्ट्रेस की वजह से कैंसर हुआ है सो नल हाइपोथेसिस सेज दैट दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है देर आर अ लॉट ऑफ अदर हाइपोथेसिस विच यू नीड टू चेक यू नीड टू नो बिफोर यू सेट फॉर नेट एग्जाम The next important thing about research is types of research. So we all know that there are various types of research. Experimentation is one such research. Experiments uh, laboratory mein hai, when you uh, go to a lab and then you research in controlled environment, sorry factors ko control karne ke baad, when you do a research, that is called experimentation.

so that kind of research is called observation another important type of research is ex post facto research this particular research has been asked in net exams several times ex post facto research is a research in which you target the people who have already been through that particular condition for example agar

particular phenomena has already been occurred so ex post facto post means already happened so ex post facto is a research which is done on a particular uh, group of people who are already affected by a particular thing the next important thing that you must study are the tools of research कोई भी चीज़ आप करते हैं कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं या कोई फर्नीचर आप बनाते हैं तो यू नीड सेवरल टूल्स व्हिच हेल्प यू इन मेकिंग दैट पर्टिकुलर फर्नीचर और दैट बिल्डिंग सिमिलरली रिसर्च करने के लिए बहुत सारे टूल्स चाहिए बहुत सारे औजार चाहिए जो आपको वो रिसर्च में हेल्प करें सो वन सच टूल इज इंटरव्यू अगर मुझे कोई भी रिसर्च करनी है तो द बेस्ट थिंग इज़ टू इंटरव्यू दोज़ पीपल ऑन विच आई एम कंडक्टिंग माई रिसर्च जैसे देर आर सो मेनी न्यूज़ चैनल्स विच ट अबाउट लॉट ऑफ इशूज एंड दे इंटरव्यू सेवरल पीपल उसके बाद उन्हें कुछ रिजल्ट मिलते हैं जिन्हें वो पब्लिश करते हैं दैट इज वॉट अ रिसर्च इज ऑल अबाउट सिमिलरली वी हैव क्वेश्चन एयर विच इज अनदर टूल आप अगर uh, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको क्वेश्चन एयर देते हैं कि आपको किस टाइप की मूवीज पसंद है सो आफ्टर दैट क्वेश्चन एयर डेटा यू माइट

टू डू अ सर्वे इंडिया में अगर कोई भी uh, नया एक्ट uh, लॉन्च होता है उससे पहले सर्वे करा जाता है सारे लोगों से पूछा जाता है उनसे इंफॉर्मेशन uh, ली जाती है एंड ओनली आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग दे फाइनली डेवलप अक्ट और दे फाइनली टॉक अबाउट अ न्यू लॉ एंड अनदर इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ रिसर्च टूल इज प्रोजेक्टिव टेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट साइकोलॉजी से बहुत कनेक्टेड हैं साइकोलॉजी में देर आर अ लॉट ऑफ टेस्ट कैन गिव डिटेल्स अबाउट द सबकॉन्शियस और रिप्रेस डिजायर ऑफ अ पर्सन फॉर एग्जाम्पल देर इज अ वेरी फेमस टेस्ट कॉल्ड रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट इन दिस यू विल बी शोन पिक्चर्स एंड इन पिक्चर्स को देख के यू नीड टू राइट अ स्टोरी यू नीड टू क्रिएट अ स्टोरी और यू नीड टू राइट what do you think this picture means now when a psychologist study your answer he will get to understand those repressed desires that are there inside you those suppressed emotions that are there inside you so this is also another important and interesting way of researching so these are some popular tools of research द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू मस्ट स्टडी इज सैंपलिंग एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग ना वट इज़ अ सैम्पल एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं लेती हूँ अगर मुझे रिसर्च करनी है कि आज के टाइम पर एक एवरेज स्टूडेंट कितनी देर वीडियो गेम्स खेलता है सो so मुझे आज की दुनिया में जितने स्टूडेंट्स हैं सब पे ये रिसर्च करनी होगी ना दिस बिकम्स रियली इम्पॉसिबल बिकॉज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर देर एंड सब के बारे में ये डेटा कलेक्ट करना कि वो कितनी देर वीडियो uh, गेम खेल रहे हैं दिस विल बी अ वेरी वेरी डेंजरस टास्क सो एक रिसर्चर क्या करता है वो सैम्पल कलेक्ट करता है अगर हम मानते हैं कि एक मिलियन स्टूडेंट्स हैं इस दुनिया में सो so उसका एक पार्ट मे बी टेन थाउजेंड स्टूडेंट्स को मैं लेती हूँ एंड उन पर मैं रिसर्च करती हूँ और उस रिसर्च की जो फाइंडिंग है उसे मैं जनरलाइज करती हूँ कि अगर ये दस हज़ार लोग ऐसा कर रहे हैं तो बाकी एक मिलियन लोग भी ऐसा ही कर रहे होंगे दिस इज़ वॉट अ सैम्पल इज़ ऑल अबाउट पॉपुलेशन है दैट इज द एंटायर सेट ऑफ पीपल ऑन विच यू शुड बी डूइंग द रिसर्च एंड सैंपल इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जिन पर आप एक्चुअली करते हो रिसर्च एंड उसकी फाइंडिंग को आप पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज करते हो ना देर आर वेरियस वेज टू गेट सैम्पल वन सिंपल वे इज लकी ड्रॉ जैसे हमने सारे स्टूडेंट्स के नाम डाल दिए एंड उनमें से हमने कोई भी टेन थाउजेंड स्टूडेंट्स के नाम पिकअप किए एंड दोज पीपल आर सेलेक्टेड फॉर द रिसर्च सो दिस इज़ कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अनेदर अ बेटर वे टू डू सैम्पलिंग इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग इन दिस आई अरेंज द स्टूडेंट्स इन वन रो एंड देन आई टेकअप वन

and another type of sampling is uh, cluster sampling. now what happens is that rather than choosing all these students and creating a havoc in your life, it is better you choose some cluster. for example, my india kuch 10 schools, kuch 10 schools, kuch students student 7 per research, and after that finding, i will generalize it on the entire population. सो दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग जिसमें नेचुरली एग्जिस्टेड क्लस्टर्स जो हैं एक नेचुरल सेट में जो स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे उस पूरे क्लस्टर को यू आर चूजिंग इन ऑर्डर टू रिसर्च सो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट वेज इन विच यू कैन टेक अ सैम्पल फॉर योर रिसर्च नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इन रिसर्च मेथडोलॉजी रिसर्च एक बहुत ही नोबल वर्क है काफ़ी सारे लोग जो रिसर्च करते हैं उन्हें गवर्नमेंट भी एड देती है देन पीपल लिविंग अराउंड देम दे ऑल्सो सपोर्ट दैट पर्सन इन परफॉर्मिंग एंड डूइंग इज रिसर्च बट रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट एंड नोबल एक्टिविटी होने के साथ साथ एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक्ट भी है सो so, बहुत सारे एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशन एक रिसर्चर को फॉलो करने होते हैं फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्च में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द रिसर्चर दैट दिस इंफॉर्मेशन शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल अगर आज मैंने अपनी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक रिसर्चर को दी है फॉर द सेक ऑफ रिसर्च ही टेक केयर दैट मेरी इंफॉर्मेशन कहीं और लीक ना हो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन की so हर एक रिसर्चर के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स के रिसर्च में है वो वॉलेंटरीली आए ऐसा नहीं है उन्हें गन पॉइंट पे लाया जाए उन्हें धमका के लाया जाए उनका वॉल्टरी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस उनके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो रिसर्च से कभी भी विड्रॉ कर पाए ऐसा नहीं है कि आज मैं रिसर्च करना चाहती हूँ कल हो सकता है मेरी फ़ैमिली कंडीशन मुझे परमिट नहीं करे उस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए सो आई कैन विदड्रॉ एट एनी पॉइंट and the most important thing is that a researcher should ensure that his poor research may kisib participants koko harm ham so in sabi chizokodihan research and you should also know all these important research ethics because they are asked in net exam frequently the next topic that you must study is about thesis writing थीसिस लिखने का एक तरीका होता है एक रिसर्चर ने रिसर्च तो कर ली बट उस रिसर्च की फाइंडिंग को दुनिया के सामने पेश करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उस पेश करने के प्रोसेस को थीसिस राइटिंग कहते हैं थीसिस का एक सेट फॉर्मेट है जो हर एक रिसर्चर को फॉलो करना होता है सबसे पहले नीड टू लुक एट द टाइटल देन यू नीड टू टॉक अबाउट द एब्सट्रैक्ट जिसमें आप अपने रिसर्च के बारे में एक सिनोपसिस देते हैं देन द नेक्स्ट थिंग इज यू टॉक अबाउट द लिटरेचर रिव्यू कोई भी रिसर्च करने से पहले आप उस रिसर्च या उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं सो दैट इज द लिटरेचर ओके सर लिटरेचर के बारे में आप बताते हैं देन यू टॉक अबाउट द मैथड डैट यू हैव यूज इन ऑर्डर टू कंडक्ट द रिसर्च finally you disclose the results result ke baad me you have a discussion uske baad mein you talk about the appendix and then you give all the references all the places from which you have gathered the data so this is a set procedure which you need to follow whenever you are drafting a thesis and this set procedure you must remember also because in net they might give you some other non important step and then they'll ask you that out of these steps which is not a step of research or uh, thesis writing. So, you must be aware of all the steps so that you can identify that wrong step in the question paper. Last but not the least, we will be looking at some of the important statistical areas that you need to touch when you're preparing for the research topic in paper 1 because research is very closely linked to statistics and there are times when they put up questions talking about the statistical portions okay so uh, there's a portion called hypothesis testing, in which there are a lot of stats involved. You have to make a few calculations in order to get to the answer. So, hypothesis testing ke there is T test, F test, chi-square. So you must be aware of all these things. Then, when we look at the graphical representation, then there's a thing called kurtosis. Kurtosis basically means the peakness of a curve. bhi curve. Hai. Research ke bad mein, when you plot the finding on the graph, to उाइल कर्व कितना पीक है दैट इज वॉट टॉसिसउट दैन दर टर्म कॉल क्यूनेस विच इंडिकेट दिमेट्री कोई कर्व है वो बहुत लेफ्ट की तरफ है कोई कर्व है जो बीच में है कोई कर्व है जो राइट की तरफ इंक्लाइंड है सो दैट इज अ मेजर विच इज डन बाई स्क्यूनेस सो ये कुछ टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए बिकॉज वेन आई वॉज लुकिंग एट द प्रीवियस योर पेपर्स आई फाउंड दैट दीज टर्म्स वो आज इन नेट एग्जाम